तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल जो है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के वाले हैं। मीन्स इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे पास अभी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, अभी हमारे पास ये कहलाता है 3 जो ये होल नंबर कहलाता है, और ये फ्रैक्शन में 1/4 हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे 1 के साथ। मीन्स 4 3 12, 12 + 1 13। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 13/4। तो ये हमारे पास क्या कहला है, सिंपल फ्रैक्शन। मीन्स हमारे पास जो सवाल गिवन तो मिक्स फ्रैक्शन में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट हम अभी जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखते हैं कि हम उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। हम इधर रफ वर्क में करते हैं, 9 12 से डिवाइड करेंगे हम 9 को। ठीक है, तो 9 की टेबल में 9 1 9, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 12 12 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन इसका क्या आएगा, सो हमारे पास इसका सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा 1।